बातों को 20 साल में किया क्या है। मेरे मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जब उनका इंटरव्यू ले तो उनसे ये पूछे कि तरुण जैन ने जो बात बोली है वो झूठ है या सच है। उनके पास जवाब नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं ये बात आपके बीच में कह रहा हूँ। इनके पास कोई जवाब क्यों मिलेगा कि जिंदल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चालू क्यों नहीं है, जिंदल हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज क्यों नहीं होता है। ये सिर्फ अपने घर के सामने जो जिंदल हाउस बोलते हैं, जिनको हम जब बारिश होती है तो वहां पर 3-3 फुट पानी भर जाता है, जिंदल हाउस के आगे कट्टे लगाने पड़ते हैं इनको पानी अंदर ना जाए। जब खुद का घर नहीं बचा सकते ये ठेका ले रहे हैं हमारे पूरे हिसार का। ये बात आपको सोचनी होगी, जो खुद के घर के आगे सड़क नहीं ठीक करवा सकते वो हमारी सड़कें और सीवर कैसे ठीक करवाएंगे, जो हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते वो कैसे हिसार की खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे, जो खुद के हमारे हिसार के गरीब लोगों को इलाज नहीं दे सकते वो कैसे हिसार को खुशहाल बनाएंगे। ये बात आप लोगों को सोचनी होगी। आज कुछ उद्योगपति, कुछ इनके चमचे जो 10-15 चमचे इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो आज आप लोगों के बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, वो भी आपको 5 तारीख के बाद नहीं मिलेंगे। उनके भी ऑफिस दिल्ली, बॉम्बे और गुड़गांव में है, वो भी आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई मिलने